अच्छा सुनने वाले दोस्तों, सबसे पहले इस पावन पवित्र प्रयागराज की सरजमी को प्रणाम करते हुए हम पंचम लाल यादव अपने पूरा साथियों के सहित आज जिस स्टूडियो हम लोग बैठे हुए हैं, सम्माननीय माननीय शशांक जी की देखरेख में हमारा ऑडियो और वीडियो ये एक बिरहा आपके सामने जा रहा है। जैसा कि हमारी लकड़ी की दुल्हन और शहीद मेजर यादव के महेश यादव के बीच में आप लोगों ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया था, मुझे ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ठीक उसी प्रकार से हमें प्यार दुलार और आशीर्वाद देंगे। ये हमारे गाने का शीर्षक है, बिजली पासी और जयचंद का महासंग्राम। इतिहास में लिखा गया है हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हमारे एससी और बैकवर्ड के लोग पड़े हैं, चाहे मुगल साम्राज्य हो चाहे अंग्रेजों से मुकाबला करना हो, आज हम उन्हें भूल चुके हैं। हम इतिहास के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे खानदान में और हमारे पूर्वजों में कैसे कैसे योद्धा थे। तो चार लाइन भूमिका का भाव स्वर लगा के आए। वतन के परिंदे फरिंदे बने, कोई शिकवा शिकायत गिला ना करे, लूज शासन प्रशासन दोनों हो गया, मौत होती रहे पर नहीं ला करे, जब न शेखर भगत और बिस्मिल रहे, जब न रही बंदे मातरम की बोली, मुगल साम्राज्य जब कायम रहा, बिजली पासी अरे बिजली पासी खुद खाए थे सीने पे गोली, उस समय बाबूजी न भगत सिंह न चंद्रशेखर न राजेंद्र प्रसाद ऐसे हमारे शहीद नौजवान कोई नहीं थे। मुगल साम्राज्य कायम रहा, हिंदुस्तान को जगड़ के रखा हुआ था। कन्नौज में राजा जयचंद की राजधानी थी, जिसके बगल में सचान कोट में बिजली पासी रहा करते थे। मुगल साम्राज्य का साथी था राजा कन्नौज, जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं होता है, बिजली पासी से संग्राम करने की तैयार हो जाता है, मुगलों से मिलकर। तो एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। सही हो बाबा, कहना है कि उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर का नहीं, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं,
उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। हुसैन ने जो दिया शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, इससे बढ़कर इसी गीत की लाइन में कवि ने बिरहा में संकेत दिया है। उस समय माजरा क्या होता है जरा सा गौर करेंगे आप सब बिरहा सुनने वाले दोस्तों। इस गीत को आप सब परिवार बैठकर बड़े आनंद से सुन सकते हैं, लेकिन कहना क्या है कि चढ़ाया जय चंदले सेना बिजली सर पे कफन सजा। चंदले सेना और बिजली सर पे कफन सजा। पासी का उन्माद बढ़ा जब, ये पासियों की हालत है। और आज हमारे समाज में पासी कैसे हैं, इसीलिए कहना पड़ा कि पासी का उन्माद बढ़ा जब पासी सर को कलम किया। पासी का उन्माद बढ़ा जब पासी सर को कलम किया, तो कहना पड़ा नजम के लैंड मास्टर बाबा सही हो। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने कल कल बालों ने गोरे गोरे गालों ने। जिला कन्नौज में जय चंद राजधानी थी सचान कोट में राजा की बड़ दीवानी थी। राजा सातन के दोस्त यार बिजली पासी थे कठिन थी दोस्ती दोनों बड़े उपहासी थे। सई नदी के तट पे किला को बनवाया था पड़ोसी राज था राजा को क्रोध आया था। बाबूजी कहने पहले कहानी को समझ ले आप सब। सचान कोट में राजा की दीवानी थी राजा सातन पासी की। सातन पासी के दोस्त बिजली पासी थे। उसी सचान कोट के बगल में राजा जयचंद रहा करते थे। राजा जयचंद मुगलों से मिला हुए थे, लेकिन राजा सातन पासी अपने काम में लगे हुए थे। जयचंद से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझे देखकर प्रणाम नहीं करता, सलाम नहीं करता है, ये पासी बढ़ चुका है। क्योंकि सचान कोट के बगल में ही सई नदी के तट पर राजा सातन पासी की कोठी थी। कोठी के रोक कर उन्माद बढ़ा लिया था। एक लाइन ही गीत लगल मास्टर। गीत कमरे लाइन में लेकिन कहना का बा कि गोरिया दिन भर कई के मटिया संझिया ले बैठी सिलबटिया पीसा गरम मसाला। कवि ने संकेत दिया है और कहना क्या है कि पाजी जयचंद बड़ा गुमानी
बगल कायम थी रजधानी सोचा सातन मुई बैना सातन पासी क्रोध में आकर लग रहा मुन्ना जयचंद ललकार देता है सातन पासी को कि तुम्हारे राज्य से हट जाओ भाग जाओ वरना तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। क्रोध में आ गए सातन पासी और कहा क्रोध में आके सातन पासी जयचंद को ललकारा दम में दम हो अगर तुम्हारे ले लो हाथ दुधारा मिली है माटी में जिनगानी मिली है माटी में जिनगानी खूनवा बहे बदन का पानी सोचा सातन मुई बैना जयचंद ने अहंकार मार दिया ठीक है सातन पासी ललकार दिया कि अगर तुम्हारे दम के दम है तो लेकर सेना चढ़ जाओ ले लो हाथ में तेगा बंदूक अपने। हमारे पासियों के अंदर क्या था उनका अस्त्र क्या है यही लाठी भाला गणास और कुछ नहीं था लेकिन उनके पास सारे हथियारों से लैस थे। राजा जयचंद तैयारी कर देता है तैयारी करके चढ़ाई कर देता है तो बिरहा के शीर्षक है मास्टर तो तैयारी मास्टर अरे खूनन से धरती लाल हो गई हो खूनन से धरती लाल हो गई तो गुजर तिर सुलिया ये पासियों की जात है आप लोग समझेंगे इस बात को। गुजर तिल सुरिया बेलखरिया ठोका छाती गुजर तिल सुरिया बेलखरिया ठोका छाती अरे रे छाती अरे रे छाती कहना पड़ा हर जात के लोग मिल गए। गुजर बेलखरिया तिलखुरिया सब तैयार होके एक साथ में आ गए और संग्राम छिड़ जाता है तब असली विरह का मजा है मास्टर। लेकिन हाँ सही हो लेकिन पार न पाया जयचंद पापी दिल में क्रोध बढ़ाया है सातन को जब दबा न पाया एक छाता भी बढ़ाया है नगर महोबा से निष्कासित आल्हा उदल को बुलवाया है आल्हा उदल दुई नौ भैया आल्हा उदल दुई नौ भैया समर के पीछे आया है चंद। जब राजा पासी के संग्राम में मुकाबला किया और मैदान को फतह नहीं कर पाया भाग खड़ा हुआ महोबा से आल्हा उदल निष्कासित किए गए थे क्योंकि वो भी ओछी जात थे। जा करके जयचंद उन्हें बुलवाता है बुलवा करके संग्राम छिड़ा देता है लेकिन इधर राजा
सातन पासी के दोस्त बिजली पासी थे। बिजली पासी को खबर होती है, पासियों की पूरी लश्कर लेकर इकट्ठा हो जाते हैं और जंग मैदान छिड़ जाता है। यहाँ पर महाभयंकर मैदान छिड़ा। एक लाइन में कहला पड़ा मास्टर पहपट का भावा। अरे ललका रहा बिजली तमन अच्छा नवा खुनवा खाओ लेला गलिया बदन का खुनवा खुनवा खाओ लेला। सेना के बनले नायक हो, बिजली पासी राजा के संग बन के गए सहायक हो। आला उदल जयचंद के सेना के नायक बने, सातन पासी के नायक बिजली पासी बने। संग्राम छिड़ जाता है लेकिन होता क्या है बाबूजी? सातन पासी के संग में मदनवा खूनवा खवलेला। अब बिजली पासी रण गईले माया दानवा खूनवा खवले। तो संग्राम महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ से आला उदल है, दूसरी तरफ से बिजली पासी। महा भयंकर संग्राम छिड़ गया, लाश पे लाश गिरने लगी। एक लाइन आला तर्जो मास्टर। लेकिन कहना क्या है कि गाजर माया दानवा में, गाजर माया दानवा में छिड़ल बा लड़ैया बाबू। माती पासी बंधले सर पे कफनवा दादा, जली सही न भैले रामाया दनवा बाबू। राजा जाया चल दसाई न हो गई थरा, बिजली भी मार गईले माया दनवा दादा। गाजर माया दनवा आल्हा ठंडा तबने बा, क्रोधावा में छाय गईले सातन तवन छनवा दादा। पासियन कला सगर ले हो गई ले तैयार, आलाखंड गाजर का मैदान है। आप लोग लड़ाई पढ़ते होंगे, आलाखंड में आप लोग पढ़ेंगे गाजर की लड़ाई तो प्रमाण मिल जाएगा आपको। बिजली पासी उसी समय जयचंद के हाथों मारा जाते हैं मैदान के अंदर। सातन पासी को क्रोध बदन में छा गया, सारी पासियों की सेना लेकर और जंग मैदान में जुड़ जाते हैं। आखिर अंतिम लाइन है मास्टर, खड़ी में कहना पड़ा। तत्त
तमका क्रोध बदन में भारी, राजा पासी तब ललकारी, घायल भय उदल जवनवा सुना हो मितवा। पासियों के सेना उतर जाती है, उस समय का हालात देखिए क्या होता है कि आल्हा चोटहिल उदल घायल छोड़ दिया मैदान। आल्हा उदल दोनों भाग खड़े हुए सातन पासी के ललकार से। पासियों के सेना जब जुटी, गड़ासा भाला बर्छी टंगारी लेकर, तो सारा तहलका मच जाता है। और आज हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरा कहना है आखिरी लाइन में कि एक ही झंडा और एक ही बैनर लेके एक समाज के नीचे आ जाओ। आल्हा चोटहिल उदल घायल छोड़ दिया मैदान, जोगा भोगा मारा गई लली बदला श्रीमान, त चमका पास इनका घर नवा सुने जमित। राजपति गुरु राजा राम कहे विश्वनाथ मोर बांका, राम देव कब हीरा लाल का हरदम ऊंचा रहा पताका, खूनन से धरती लाल हो गई, तो यादव गांव में पंचम यदुवंशी के थापी, खूनन से धरती लाल हो गई।